लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है और हम उसको सॉल्व करने का क्या मेथड होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ होमोजीनियस इक्वेशन होती किस टाइप में है। जैसे कोई क्वेश्चन होता है हमारे पे, कोई क्वेश्चन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस का टू एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। होमोजीनियस इक्वेशन हमारे पे वो इक्वेशन होती हैं जिनमें जो डिग्री होती है, जैसे ये एक्स है, एक्स की डिग्री कितनी है टू, इसकी डिग्री कितनी है टू, और एक्स वाई की डिग्री कितनी है, मिला के टू हो गई ना। तो ये होती है हमारे पे होमोजीनियस इक्वेशंस। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये देखिए। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा डी वाई डी एक्स वाई डी वाई या फिर डी वाई वाई डी एक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू टू टाइम एक्स वाई डी वाई। ये आ जाएगा हमारे पे कुछ, ये आ जाएगा ये डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू टाइम एक्स वाई। इसको हमने कुछ ऐसे लिख लिया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम इसमें एक लेट करते हैं। जैसे हम यहाँ लेट करेंगे कि वाई इज इक्वल टू वी एक्स। ये हमने क्यों लेट करा है इसको देखिए, अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे ये कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब हम यहाँ से कॉमन लेंगे, देखिए कैसे कॉमन लेना है इसमें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमें ये बनाना है वाई इज इक्वल टू वी एक्स। अब हम यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, ये आ जाएगा वी इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से ऊपर न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, ये क्या आएगा वन प्लस वाई डिवाइडेड वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर से लेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो टू टाइम वाई डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, उसके बाद हम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू टाइम वाई डिवाइडेड बाई एक्स। और वाई डिवाइडेड बाई एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पे, वी, यहाँ पे हम पुट कर देंगे। और हमने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी निकाल रखी है यहाँ पे, वो दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, हमारे पे क्वेश्चन कुछ ऐसे बन जाएगा ये वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू टाइम वी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम v को दोनों साइड हम v से माइनस कर देंगे, इस साइड v से माइनस करेंगे, ये यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ये आ जाएगा x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू वी माइनस वी। ये आ जाएगा x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास वन माइनस वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू टाइम वी। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पे टू टाइम वी डिवाइडेड बाई वन माइनस वी स्क्वेयर डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में एक्स। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड। अब इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका, वो देखिए अब आप इंटीग्रेशन कैसे होगा इसका। सबसे पहले हम वन माइनस वी स्क्वेयर को टी ले लेंगे, ये क्या आ जाएगा टू वी माइनस ऑफ टू वी डी वी इज इक्वल टू डी टी। ये है यहाँ पे, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई टी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में एक्स। ठीक है, ये हमारे पे पीछे क्या आया था, माइनस ऑफ डी टी अपॉन में टी इज इक्वल टू, ये क्या था हमारे पे ये डी एक्स अपॉन में एक्स। ठीक है, यहाँ से हम इंटीग्रेट करेंगे, हमारे पे क्या आ जाएगा माइनस ऑफ लॉग मॉड टी इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस लॉग मॉड सी कांस्टेंट। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास लॉग मॉड टी माइनस इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स सी। ठीक है,
यहाँ से हम ये माइनस अंदर ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा हमारे पे, लॉग मॉड वन अपॉन में टी इज इक्वल टू लॉग मॉड सी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम टी की वैल्यू डाल देंगे, हमने टी क्या लिया था, वन माइनस वी स्क्वेयर, ये आ जाएगा हमारे पास लॉग वन अपॉन में वन माइनस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू लॉग सी एक्स। यहाँ दोनों साइड लॉग कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पे क्या आएगा, ये क्या आ जाएगा हमारे पास वन अपॉन में वन माइनस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी एक्स। वी की वैल्यू क्या थी हमारे पे, वी की वैल्यू क्या थी हमारे पे, यहाँ वी इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स, यहाँ था हमारे पे वी इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स। यहाँ पे हम पुट कर देंगे वी की वैल्यू, वी की वैल्यू क्या थी हमारे पे, वाई डिवाइड बाई एक्स वन माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू सी एक्स, नहीं सॉरी सी एक्स, ये मल्टीप्लाई में था इसके साथ, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू सी एक्स। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, ये हमारे पे इक्वेशन आ जाएगी सी इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स, ये आ गई हमारे पे डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे हम कोई भी अगर हमारे पे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, बस हमें पहले इक्वेशन देखनी है कि वो किस फॉर्म में है। अगर इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी डिग्री सेम है तो वो होमोजीनियस के टाइप में आ जाती है और उसको हम होमोजीनियस से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, तो आप घर से कर लेना, अगर नहीं होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको बता दूंगा कैसे करना है। क्वेश्चन है हमारे पे, ये ले लेते हैं हम क्वेश्चन एक, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। सेम ही क्वेश्चन है, एक बार आप कोशिश करिएगा, हो जाएगा, इतना ही मुश्किल नहीं है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, हो जाएगा। नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा।